नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का, शुरुआत करते हैं देहरादून से। एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का जताया आभार। केंद्र से जुड़ी सभी योजनाओं पर तेजी से होगा काम। 2025 में सशक्त और भव्य होगा देवभूमि उत्तराखंड, स्वस्थ शिक्षित और साक्षर बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और दो तिहाई बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और दो तिहाई बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। खबर फरीदाबाद से, गोकशी के लिए ले जाई जा रही गायें आज तड़के बल्लभगढ़ आदर्श नगर पुलिस ने बरामद की। इन गायों को दिल्ली की तरफ से मेवात ले जाया जा रहा था और गौ रक्षक इनका पीछा कर रहे थे। गौ तस्करों ने गौ रक्षकों से बचने के लिए न केवल पथराव किया बल्कि कट्टे से फायर भी किया। इस दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी फुटपाथ पर जा पड़ी। अंधेरे का मौका देखकर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बरामद चार गायें और दो नंदी को बल्लभगढ़ की नंदीग्राम गौशाला में भेज दिया है। महिंद्रा पिकअप गाड़ी में बर्बरता से बांध दी गई ये गाय और नंदी आज तड़के करीब 3 बजे बल्लभगढ़ की आदर्श नगर पुलिस ने बरामद किए हैं। इन गौवंश को गौकशी के लिए दिल्ली की तरफ से मेवात की ओर ले जाया जा रहा था। सूचना मिली तो गौ रक्षकों ने इनका पीछा शुरू कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। गौ रक्षकों पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार बदमाशों ने पथराव किया। बल्लभगढ़ पहुंचने पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी फुटपाथ पर जा चढ़ी, पाकर गौ तस्कर फरार हो गए। राइडर से एक सूचना मिली SHO मोबाइल को, जो गश्त में थी, कि एक एक्सीडेंट में एक पिकअप गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है जिसका डिवाइडर पे चढ़ी हुई है। जिसको जाके वहाँ देखा मौके पे तो उस गाड़ी में, पिकअप में गाय बंधी पड़ी थी जिनको रेस्क्यू किया गया, वहाँ से ले जाकर मौके से हटाया गया, रास्ता खुलवाया गया और नंदीग्राम गौशाला ऊंचा गांव में गायों को छुड़वाया गया। निकालने पर कुल 6 गाय थी जिनमें से 4 गाय और 2 नंदी निकले। तिगांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर आज तिगांव क्षेत्र की दीपावली एनक्लेव कॉलोनी में पहुंचे, जहां विधायक का लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी बीच विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 27 मार्च को तिगांव की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री की हरियाणा प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए भारी से भारी संख्या में पहुंचे। इसके बाद मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और कुछ समस्याओं को मौके पर ही सुलझा डाला। इसी बीच बिजली की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग अधिकारियों की लापरवाही के बारे में शिकायत की तो मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के विधायक ने फटकार लगाते हुए कहा कि कॉलोनी में अगर बिजली की समस्या को 2 हफ्तों के अंदर नहीं सुलझाया गया तो विभागीय अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि मनोहर राज में काम में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार के ग्राउंड शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला थाना पिरान कलियर में एक बाइक में भयानक आग लग गई। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते बाइक में लगी आग पर पानी फेर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हरिद्वार की आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने लोगों को एक बार फिर से परेशानी में ला खड़ा कर दिया है। करीब 4 महीनों के बाद में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार से फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल सहित खाद्य सामानों और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने से आम नागरिकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पेट्रोलियम कंपनियां रेट बढ़ा सकती हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं, जिसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी देहरादून में डीजल 88 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर तो वहीं पेट्रोल
94.75 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। भाई साहब तेल की कीमत है क्या आप, ये तो जब हम देख रहे हैं हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है निरंतर रूप से, लेकिन सब आस्था इसी पर लगा रखे लोगों ने कि भाई किसी तरीके से भी जो सरकार इसमें कोई कदम उठाए, लेकिन लगता है सरकार के हाथ से भी बात निकलती जा रही है ये महंगाई, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है ना तो उस पर कंट्रोल हो पा रहा है और नहीं जितनी महंगाई इस पर कंट्रोल हो पा रहा है और रोजगार के साधन खत्म होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, सब लोगों पर परेशान है बहुत ज़्यादा महंगाई से। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर महानगर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर सांस्कृतिक गानों की धुन पर डांस किया। वहीं प्रतिवर्ष विश्व हिंदू परिषद द्वारा रंगों के पर्व होली के मौके पर होली मिलन का समारोह किया जाता रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यह आयोजन नहीं किया गया था। इस आयोजन में जबलपुर शहर के विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं शहर के गणमान्य नागरिक भी इस मौके पर आयोजन में शामिल हुए और एक दूसरे को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं गुलाल और फूल की होली इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर खेली। सनातन संस्कृति के महापर्व होली के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जबलपुर के द्वारा प्रतिवर्ष होली मिलन का एक कार्यक्रम आपसी भाईचारा और आपसी मित्रता बनी रहे इस हेतु सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आयोजित होता है। इसी कड़ी में आज मां नर्मदा जिले के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के समस्त गणमान्य नागरिक, हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी, 7 प्रखंडों के कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध जन सम्मिलित हुए, जिसमें बजरंग दल के द्वारा आज होली मिलन का कार्यक्रम फूलों की होली के संग रखा गया है, जिसके सेलिब्रेशन सदर में हिंदू सनातन संस्कृति को हक्कान हेतु आप सबको वितरित है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव समाज में तत्पर अग्रसर रहता है। इस तारतम्य में आने वाली हमारे हिंदू नौजवान बच्चों को, जो कि अभी कुछ साल पहले तक ये प्रचार दुष्प्रचार के शिकार हो गए थे कि पानी का नुकसान होता है, पानी बहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ नेशन 24 न्यूज़।